वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। साधे कष्ट कर भुगता हो रही गाने वालों कितना जोर पड़ता है गाने बजाने में, बैठे बैठे सुनते क्या जोर है। राग बाग पट तिय अतर और नवरस खटर रसूल करता साधे कष्ट कर भुगता हो रही हो। अब तो मुफ्त में ही मिलता है,
नारायण 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 कोई बात है ये बात ही गलत है कि शरीर बिना साधन नहीं होता। शरीर से साधन होता है संसार का, परमात्मा का साधन होता है स्वयं से। आपके बहन है कि शरीर से साधना होती है, शरीर से सेवा होती है, साधन नहीं होती। परमात्म तत्व की साधना शरीर से नहीं होती है। ये तो स्वयं से होती है। गीता पूरी सुना करके भगवान ने कहा कि माम एकम शरणम ब्रज। जप कर, कीर्तन कर, पद कर, ये नहीं कहा कुछ। तीर्थ कर, उपवास कर, होम कर, यज्ञ कर, दान कर, नहीं कहा। माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरा आश्रय ले लगे भाई। तो भगवान शरीर के द्वारा साधन करते हैं, उसमें शरीर का सहारा होता है, इंद्रिया मन बुद्धि का आश्रय लेना होता है। ये आश्रय लेने पर अनन्य आश्रय नहीं होता, अन्य के सहारे से होता है। अब वृद्धावस्था होगी तो शरीर काम करने, तो शरीर काम का था ही नहीं कभी। ये बात है कि शरीर से सेवा कर सकते थे, उसमें उतनी शक्ति नहीं रही। वृद्ध हो गए सेवा करने की तो उतनी जरूरत भी नहीं है। सेवा कर सकता है उसी पर सेवा की जिम्मेवारी होती है, जो नहीं कर सकता उस पर करने की जिम्मेवारी होती ही नहीं। माल पर जगात लगती है, माल नहीं तो जगात किस बात की। देखो एक बात बार बार कह जाता हूँ, एक शर्म की बात है आगे मन। मेरे को संतों से बहुत विचित्र विचित्र बातें मिली, तो आप लोग ख्याल नहीं करते क्या। शरीर है स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये है शरीर है वो संसार का अंश। तो संसार की सेवा ये कर सकता है, परमात्मा भजन क्या करेगा। भजन असली क्रिया नहीं है, भाव है और बोध है, और वो स्वयं का है, शरीर का नहीं, इंद्रियों का नहीं, अंतकरण का नहीं, मन बुद्धि का नहीं। ये तो स्वयं आप लगते उसके साथ हो जाते, इनके द्वारा थोड़े होता है। ये भजन स्वयं से हो गया। अर्जुन है भगवान को स्वयं एव आत्मना आत्मान वे तत्वम पुरुषोत्तम, आपने से अपने आप ही आप जान दो। प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है, उद्धरे आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादी। आत्मेव ह्यात्मनो बंधु रात्मेव निपुरात्मन, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना बैरी है, आप स्वयं हो जाते हे नाथ मैं आपका हूं। इसके समान भजन नहीं है, वो अनन्य भाव और किसी का नहीं हो, और कोई मेरा नहीं है। ये जो मैपन है, ये मैपन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो मैपन नहीं रहता।
फिर स्वयं ही भगवान के चरणों के शरण हो जाए, वो असली भजन है। इंद्रियों के अंतकरण के शरीर के द्वारा भजन ये पराधीनता है, पराधीनता से स्वाधीनता नहीं मिलती। पर के अधीन होकर के स्व को कैसे प्राप्त कर लोगे? स्वीय है, स्वकीय है, उसके द्वारा ही स्वयं से प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा अपना है, अब बताया ना, तेरे बिना कोई सहारा नहीं। इंद्रियों का, अंतःकरण का, शरीर का सहारा परमात्मा प्राप्त करेगा? नहीं। ये सेवा करने के लिए है, संसार की वस्तु संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। मेरे बहुत बार मन में आती है और बहुत बार कहा भी है, पर फिर भी कह देता हूं, पारमार्थिक साधना है वो सांसारिक साधना की तरह नहीं है। जैसे सांसारिक काम कोई होता है तो शरीर से करो, इंद्रिया से करो, अंतःकरण से करो, बल से करो, बुद्धि से करो, योग्यता से करो, उनसे करो। परमात्मा की प्राप्ति के बल, बुद्धि, अहंकार, योग्यता, परिस्थिति नहीं है काम, वह सबसे अतीत है। कई बार कहा, फिर भी कहता हूं, ये चीज अगर 500 रुपये में आती है तो 500 रुपयों से कम कीमती है। दुकानदार के 500 रुपये नहीं लगे, कम कीमती मिलती है, मूल्य से मिलती है वो चीज कम दामी होती है। किसी साधना के द्वारा परमात्मा को खरीदोगे तो साधना की अपेक्षा भगवान कमजोर मिले, बल से अधिकार करें तो निर्बल पर करेंगे, विद्वत्ता से अधिकार करेंगे तो मूर्खता पर करेंगे, संपत्ति से अधिकार करोगे तो संपत्ति रहित पर होगा, आप योग्यता से किसी पर अधिकार करो तो आपसे अयोग्य पर होगा, आपसे बल से, बुद्धि से, योग्यता से, विद्या से, अवस्था से सबसे अधिक है उस पर आप इनके द्वारा अधिकार नहीं जमा सकते। अपने आप स्वयं अंश है उसका, पूजा सहारा छोड़ करके उसे शरण हो जाए तो बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाए। बालक माँ पर अधिकार करता है तो वो विद्या से करता है, बुद्धि से करता है, योग्यता से करता है, किसके द्वारा करता है? माँ के बल से ही करता है, माँ का मैं हूं, मेरी माँ। सज्जनों, आपके समझ में आवे न आवे पता नहीं है, मेरे को ऐसी संतों से बातें मिली। स्वयं देने पर भगवान स्वयं मिलते हैं और अपनी चीज देने से भगवान की अपनी चीज मिलती है, पर अपनी चीज मिलती आपको नहीं मिलती, आप मिलते हैं अपने आप को दे देंगे, उसी के हम हैं, उसी के ही रहेगा, उसी के नाते संसार की सेवा करें, ये साधना हो। कोई भी भाई बहन ऐसा नहीं समझे मेरे में विद्या नहीं है, योग्यता नहीं है, बल नहीं है, शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, कैसे भगवान का भजन करें? बिल्कुल गलत है। इन चीजों के द्वारा भजन नहीं होता, भजन स्वयं से होता। तो भजन इनसे नहीं होता, शरीर से सेवा होती है,
संसार की वस्तु ली है तो संसार को दे दो, बस पूर्ण हो जाओगे, ऋण नहीं रहेगा सिर पर। तो संसार के ऋण से मुक्त होने से भगवान के लायक बन जाओगे, योग्य बन जाओगे। इनका सहारा छूटने से केवल भगवान का सहारा हुआ। माम एकम शरणम ब्रज, अनन्यास्तन्त्रयन्तो माम अनन्यचेता शरणम, मयि एव मनादस्व मयि बुद्धिं निवेशय। केवल भगवान की शरण और स्वयं हो जाओ, स्वयं। बहुत सीधी बात है, मेरा कुछ नहीं। एकदम बात ठीक है। ये नष्ट होने वाली चीजों से अविनाशी मिलता है, नष्ट होने वाली का मोह त्यागने से अविनाश मिलता है। नष्ट होने वाली चीजों को साधन मानोगे तो वो छूटेगा। जैसे अविनाशी की प्राप्ति नाशवान के द्वारा नहीं होती, नाशवान के द्वारा, नाशवान संसार की सेवा होती है तो संसार से ऊर्ण हो जाते हैं, ऋण चूक जाता है तो परमात्मा प्राप्ति सदैव हो जाती है। तो ये साधना सेवा करने के लिए है, भगवान के लिए नहीं। अवृद्ध हो गए तो तुम्हारे पर जिम्मेदारी नहीं रही। धनी का धन अधिक अधिक होता है तो उस पर जिम्मेवारी अधिक होती है, बल अधिक होता है तो जिम्मेवारी अधिक होती है। वर्ण से, आश्रम से, योग्यता से ऊंचा होता है तो उस पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है, और जितनी ये सांसारिक वस्तुएं कम होती है उतनी उस पर जिम्मेवारी कम होती है। दूसरे आशा रखते ही नहीं, के पास जो चीज नहीं है उसकी कौन आशा रखेगा। तो भगवान ये चीजों के ग्राहक नहीं है, आप खुद के ग्राहक, खुद ही परमात्मा के आदेश है। दूसरे चीजों का सहारा लेते हैं, ये गलती है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अनन्य शरण। मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, बस न शरीर है, न इंद्रिया है, न मन है, न बुद्धि है, न प्राण है, कोई हमारा नहीं। ये हमारा कैसे मिला है, विसर जाएगा, हमारा कैसे हुआ। ना इन हम इनके साथ रह सकते, ना ये हमारे साथ रह सकते, वो हमारे जैसे हमारे नहीं है। उनको अपना हमारा मान लिया, इसी से जो हमारे प्रभु है वो हमारे दिखते नहीं। ये आड़ लगी है, इनको अपना मानो, अपना न मानो तो आड़ हट जाएगी, तो प्राप्ति हो जाएगी। मूल भूल यही होती है, शरीर की महत्ता। आज सुबह बताया था ना, शरीर की जो महत्ता है वो साधन सामग्री होने से है, इसको अपना मानने के लिए नहीं है। कलम होती है वो लिखने के लिए होती, कागज वो लिखने के लिए होता है, लेखक के लिए नहीं होता। लेखक के लिए तो लेखक का मालिक है वो है, हमारे तो प्रभु है। जिस दिन ये विचार हो जाएगा तेरे बिना सहारा कोई नहीं है मेरा, तेरे बिना कोई निभाया नहीं है सहारा, इसने दिया नहीं है सहारा, ये जिस मालूम होगा तो मन बुद्धि इंद्रिया इसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। स्वयं उठेगा, पुकार उठेगा, हे नाथ मैं आपका हूँ। भगवान भी तो मेरा सदा ही है ही, जो तुम्हारे नहीं उनको तुमने अपना मान लिया, इस वास्ते मेरे से विमुखता हो गई, अलग थोड़ी हो गया। तो अपने से आत्मना आत्मान वेत्थ, आत्मन ये आत्मना तुष्ट, अपने से अपने को चेष्ट,
नहीं तो परमात्मा में कृष्ण आया है ऐसा जैसा आप कहते हैं, जैसे तनु बिनु वेद भजन नहीं बढ़ना, ऐसा होता है। शरीर से भजन करते हैं, शरीर का भजन कीर्तन है, जप है, आदि करते हैं, पर इसमें भी भाव खुद का होता है, ये में क्रिया की प्रधानता नहीं होती, इसमें कला की प्रधानता नहीं होती, गला की प्रधानता नहीं होती, कला की प्रधानता नहीं होती, विद्या की चतुराई की प्रधानता नहीं होती, भीतर में भाव, भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है, प्रभु भावग्राहक, तो भाव बनता है अनन्य होने से, अन्य किसी का न होने से भाव बनता है, अन्य का जब तक रहता है तब तक वो अनन्य भाव नहीं बनता। तो गलती ये होती है अगर अपना नहीं है उनको अपना मान लेते हैं, अरे वो छूट जाता था, वो रोते, अपना है ही नहीं, वो छूटेगा ही, वो अपना कैसे रहेगा, तो अपना छूटने से रोते, ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये सब प्रभु का है, प्रभु के लिए है, संसार का है, संसार के लिए है, हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं। अब जो संकल्प करो है वो क्या है, ये क्रोध भी वो एक ही मूल है, जो असत को आपने महत्व दिया है, नाशवान को बड़ा माना है, उसका आदर किया है, वो आपकी दृष्टि में बड़ी चीज दिखती है, सब दोष इसी से हो रहे, सब दोष इतने हो रहे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जितने दोष इसी में, मूल भूल ये है। आप कहते हैं करने में सावधान रहो, हाँ, बिल्कुल गलत है, पत्ता हिलता नहीं कि हिलाता नहीं, ये होता भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी हिलता नहीं, और परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ते को हिलाता नहीं, ऐसा लगा हिलना हिलाना दो है, आपके करना और होना दो चीज है, आप जन्म करके इतने लंबे बढ़ गए तो आप अपने मन से बढ़े हैं क्या, आपने पुरुषार्थ किया, उद्योग किया क्या लंबो होने के लिए, फिर कोई तो नाचार, कोई लंबा, कोई और लंबा, क्यों हो गया ऐसे, कि आप हुए नहीं, हो आप ही होगा, ये होना है, आप ये नहीं कहो होना होते हम भजन क्यों करे, करने जा रहे हो, दूध क्यों खाते हो, जल क्यों पीते हो, पूरा हो जाएगा, रोटी खाने के लिए तैयार, पानी पीने के लिए तैयार, और भजन में तैयार नहीं, ये तो हो रहा है, पत्ता भी नहीं हिलता, और भाई हिलता है उसी बात में आ रही है, हिलाता है उसी बात में आ रही, कुछ भी आप नहीं करते तब तो ये कहते हम कुछ नहीं करते, कुछ तो करते हो और भगवान की समझ जाते हो, संसार पाप पुण्य करके तो भगवान खराब जैसे होते, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और इसको समझ लेना फिर शंका होता है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, उसका अर्थ भी आनंद स्वरूप से आ गया, जब जब संसार को पकड़ा तब से आ गया, जब छोड़ोगे छूट के मिट जाएगा, ये संसार को अपना मान से भूल करिए, गलती करिए, आप प्रकृति के मालिक बन जाते, मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरी इंद्रिया है, मेरे बुद्धि है, मेरा प्राण है, मेरा बल है, मैं यूं कर लेता हूँ, इस बात बन जाते, बेईमानी से बनता है, अपनी है नहीं उसको अपनी मानता है, बेईमानी का बंधन, सेवा में लगा दो। कहते हैं कि ऐसे हमारा मन
जप में और ध्यान में ज्यादा लगता है उस समय हम वस्तुओं को उधर लगावे या हमारे मन को भगवान में मन में लगाओ फिर जरूर किया वस्तुओं को। जब मन भगवान में लग गया तो कोई लगा नहीं जरूरत नहीं, अरे मन से भी आप लग जाओ तो कोई लगा नहीं मन को। देखो भाई पहले मैंने कह दिया माल पर जगह से धन को अपना मानते हो तो भगवान में लगाओ। अब इंग्लैंड में बहुत सा धन पड़ा है हमारे पर जिम्मेवारी, तुम धन लगाओ भगवान में, पहले उसको अपना मानो, बेईमानी करो बस लगाओ। तो पहले बेईमानी ना करें, अपना है ही नहीं ऐसा मान है, आ जाए भगवान लगा दिए, धन लगाना कोई बड़ी बात हो रही है, ये तो बेईमानी से फंसना है, कोई महत्व की चीज नहीं। तदीम वस्तु गोविंद तुझे क्या ख्याल कर दिया आप कहा से लाए, जन्म जैसे माँ से पूछ रहा था भी नहीं था पास में, अरे मरो वो तो लाश यहीं पड़ी है, फिर धन आपका कैसे मिला हुआ है, लगा दो भी कैसे आपका मान दे वो गलती होती। ये भगवान से भगवान का नाम श्रेष्ठ है, ऐसी भगवान के नाम में जो महत्ता है वो कैसे आई क्या ये समझ। वो भगवान के नाम का जप करने से आती है, बातों से नहीं आती, रात दिन जप करे तो आपको मालूम होगा कि भगवान से बड़े भगवान का नाम है, बातों से सुन लो भाई समझ नहीं आती। पर धन की बातें किया घर की भूख न जाए, घर की भूख जब जावे जो धन आते हैं। अन्य बातों में कोई शंका हो पूछो भाई, वो बात सुन है। हाँ हाँ क्या हाँ भाव तो भीतर होता है। देखो गाड़े में भी जितना भगवान में भाव ज्यादा होगा उतना गाढ़ा मीठा हो जाएगा, भगवान के साथ होने से बाह्य क्रिया भी अच्छी हो जाती है, बाह्य क्रिया से कोई विलक्षण हो जाए ये बात नहीं है, नहीं तो टेप भर दो गाढ़ बोलता रहे, वो बोलता रहे किसको भगवत प्राप्ति होगी। क्रिया और पदार्थ ये सब प्रकृति का है, भगवान के सन्मुख हो जाए तो सब ठीक हो जाए, आग में चाहे पत्थर रख दो चाहे लकड़ी रख दो चाहे कोयला रख दो ठीक रहे सब चमक उठेगी। तो भगवान में आप क्रिया लगा दो, मन लगा दो, बुद्धि लगा दो, अपने गलो चमक उठ हो गया, तो महात्मा तो भगवान का है, क्रिया का नहीं, पदार्थों का नहीं। और तो सहयोगी तो आपके पास है, जब है आप हो तो आपके सहयोग की जरूरत पड़ी। आपने अपना बना रखा है तो सहयोग करो। भगवान में तल्लीन हो जाओ, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, खुद हम भगवान के, खुद भगवान हमारे, और सहारा नहीं कोई नहीं, कोई किसी तरह का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, ये बात बहुत दामी है। दूसरा थोड़ा भी सहारा रखते हो तो अनन्य भक्ति नहीं होती, और अनन्यता के भगवान मिलते नहीं, अनन्यता के भगवान अन्य अन्य ना हो, केवल भगवान ही भगवान। भगवान के भीतर में चले जाएंगे रहो जाएगा, सबको स्वतः है वो परमात्मा प्राप्त है, उसमें गहरे डूब जाते, अपनी जो सत्ता मानते मैं हूँ वो हूँ कहाँ से आया है, वो जहाज से हूँ आया वो है,
तू है मैं निर्गुण सब ये जाएगी। तू को अलग मान कर सही इंद्रियों के साथ लगा दे तो अब विमुख हो गए। अब इन सबको भगवान की तरफ लगाओ ठीक हो जाए। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला लू, किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था योग्यता को अपनी मत मान, अपनी मान लेते अपने लिए मान लेते ये गलती होती है। ना ये अपनी है ना अपने लिए है, भगवान की है भगवान के लिए है। उदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु आपके समर्पित ठीक हो जाए। शंका करो आप, समझ में नहीं आई हो उनकी बात नहीं होती हो। अब देखो थोड़ा कीर्तन का आरंभ का अंत का दोनों साथ ही आरती कर लो, हमारे भी आरंभ का कीर्तन का है ना, सूचना देते हैं सूचना सूचना देते हमारे दो कीर्तन है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 नार
शिवालय की जय।